अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पतंते बी का। आज हम चैप्टर नंबर जो है वो 20 करने वाले, और चैप्टर का नाम है तो डॉक्यूमेंटी दी सर्कुलेशन दिल वही को लोग कहते गारिया दई पतंती। यानी कि इस चैप्टर में हम जो है जो सर्कुलेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स और जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं पतंते की, यानी कि लाइसेंस की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो सारी कैटेगरीज के बारे में जो है हम इस चैप्टर में जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं जी। सबसे पहले कंडीशन रिक्वेस्ट पर पोतर सर्कुलर सुल स्त्रा दे पब्लिक है, यानी कि जो पब्लिक जो रोड्स हैं उन पे चलने के लिए जो कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड है वो ये हैं। चंद कंडीशन जो आपकी गाड़ी चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं वो ये है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है जी दिल्ली तारगे, आपकी गाड़ी के साथ जो है नंबर प्लेट लाजमी लगी होनी चाहिए, तारगे लाजमी होने चाहिए, ठीक है। दिल्ला कर्ता दी सर्कुलेशन है, आपके पास कर्ता दी सर्कुलेशन है लाजमी होना चाहिए, सही है। दिल सर्टिफिकेट दी असिकुरेशन है, जो असिकुरेशन का जो सर्टिफिकेट है जो आपकी इंश्योरेंस है वो सर्टिफिकेट वो वाला लाजमी होना चाहिए। इल सन्याल मोबिल दी पेरिकुलो, ये जो ट्राई एंगल है ये जो जिसे हम सन्याल मोबिल दी पेरिकुलो भी कहते हैं, तो ये भी आपकी गाड़ी में आपके अंदर आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो लाजमी होना चाहिए। कौन कौन सी ये चीज़ें हैं जी चार जो कि लाजमी होनी चाहिए जब आप पब्लिक रोड्स पर जो है ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे पहले जी तारगे, ठीक है, नंबर प्लेट्स लाजमी लगी होनी चाहिए, कर्ता दी सर्कुलेशन लाजमी होना चाहिए, सर्टिफिकेट दी असिकुरेशन यानी कि ये जो इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट होता है वो लाजमी होना चाहिए, सन्याल मोबिल दी पेरिकुलो, ठीक है, जो ट्राई एंगल वाला साइन है तो वो ये वाला वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पनेली कोन लेटर पी, आपने अक्सर जो है रोड पे ऐसी गाड़ियां देखी होंगी कि जिनके पीछे जो है ये पी वाला साइन लगा होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये क्यों लगाते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। दवानती यदि ट्रोली ऑटो वेहिकुल उजाती पर ला एजर्सिटेशन दी गुइडा दाई मजोरानी देवोनो एसेरे अप्लिकाती appositi pannelli retro riflettenti con la indicazione della lettera P principante, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो कह ले के पनेली है, ठीक है, ये आगे भी गाड़ी की अगली जो फ्रंट साइड है उस पर भी और गाड़ी की जो बैक साइड है पीछे भी, ये दोनों तरफ लगानी है उन लोगों ने जो जो क्या कर रहे हैं जी एजर्सिटेशन जो एक्सरसाइज कर रहे हैं गाड़ी सीखने की, मतलब जो गाड़ी सीख रहे हैं, सही है, ड्राइव करना सीख रहे हैं जो, तो वो अपनी गाड़ी पे जो है वो लाजमी जो है फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी ये पी वाली जो है पनेलो लगाएंगे जो कि रेट्रो रिफ्लेक्टेंटी होगी, यानी कि जब इस पे रात को लाइट पड़ेगी तो ये जो है रिफ्लेक्ट भी करनी चाहिए, मतलब बाकी लोगों को नज़र भी आनी चाहिए, सही है। तो ये पी वाली आपने जो है पनेलो लगानी है फ्रंट और बैक साइड पे, और इसका मतलब क्या है जी प्रिंसिपांते, इसका मतलब होता है पी का, ठीक है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपांते, यानी कि मतलब शुरू, यानी कि ये आगाज़ है उसके सीखने का, सही है। तो इसका इस जब पी वाली आप पनेलो देखें किसी भी गाड़ी के पीछे या आगे लगी हुई, अमूमन ये दोनों तरफ लगती है, आगे भी लगती है पीछे भी, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है लाइसेंस सीख रहा है जो उस गाड़ी गुइदा सीख रहा है, गाड़ी ड्राइव करना सीख रहा है जो उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपने थोड़ा पे अटेंशन रखनी है उसके जब आप ऐसी सिचुएशन में ऐसी गाड़ियों के सामने से गुजरे जिनके पीछे और आगे ये पी वाली पनेलो लगी हो, तो थोड़ा सा एहतियात से, क्योंकि जो अंदर बैठा हुआ गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा है वो ड्राइव सीख रहा है, सही है, वो एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, पतंते आ एम ए, ठीक है, पतंते आ एम ए के बारे में पढ़ेंगे जी, पतंते आ एम ए कौन सा है, सही है। अच्छा, पतंते आ एम ए कंसेंट दी गुइदार इजाज़त देता है ड्राइव करना चिक्लोमोटोरी, चिक्लोमोटोरी को दुए उत्तरे रुआ होते, ठीक है, दो या तीन जो टायरों वाली चिक्लोमोटोरी है पतंते आ एम ए के साथ वो आप चला सकते हैं। कौन कौन सी दो या तीन टायरों वाली जो चिक्लो मोटोरी है वो आप चला सकते हैं, ओ क्वाड्र चिकली लजेरी, और चार टायरों वाली गाड़ी चला सकते हैं लजेरी जो हल्की होती है, जो छोटी गाड़ियां होती है, सही है। कौन मोटोर तैरमिको नॉन सुपेरियोर चिंगवंत चंतीमेत्री कूबो ओ कौन मोटोर इलेक्ट्रिको दी पोटेंसा नॉन सुपेरियोर आ क्वत्रो किलोवाट, ठीक है, अगर जो है मोटर उसकी जो कह लें कि
थर्मल है, सही है, तो वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो है चिंगवांत है, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब से। और अगर उसकी मोटर जो है इलेक्ट्रिक है तो वो 4 किलोवाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही है। सिपो कुसिगवीर आ कत्तोर दिचियानी देता, यानी कि जो पतेंते आ एम ए है वो आप 14 साल की उम्र में जो है ले सकते हैं। मा अकोर अवेर ने कंप्यूटी से दीची पर कंडोचेंती ई ciclomotori o i quadricicli leggeri in alcuni paesi del Unione Europea। अच्छा, कुछ यूरोपियन यूनियन के जो मुल्क हैं जहाँ पे पतेंते आ एम ए जो है हासिल करने के लिए आपको जो है 16 साल का होना पड़ता, लेकिन इटली में यहाँ पे आपको 14 साल की उम्र में पतेंते आ में जो है आप ले सकते हैं। इसमें क्या क्या आप चला सकते हैं जी? चिक्लो मोटोरी आ दुए रोबोट है, और या 3 टायरों वाली, 2 टायरों वाली, या 2 3 टायरों वाली जो है चिक्लो मोटोरी आप चला सकते हैं। और क्वाड्रिचिकली लग्जरी यानी कि 4 टायरों वाली गाड़ी जो कि हल्की होती है वजन में, वो वाली लग्जरी जिसको इटालियन में कहते हैं, वो वाली आप पतेंते आ एम ए के साथ चला सकते हैं। अच्छा, आ गया जी पतेंते आ ऊनो। अच्छा, पतेंते आ ऊनो जो है आप 16 साल की उम्र में जो है ये आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है आप मोतोचिकली, त्रेचिकली और माकिने अग्रिकोले आप जो है चला सकते हैं, ठीक है। अब जो मोतोचिकली होगी उसका जो कह लें कि जो सिलेंडर होगा वो आप जो है 125 सेंटीमीटर क्यूब तक का जो सिलेंडर है उसके साथ, मतलब वो वाली मोतोचिकली आप चला सकते हैं, और जिसकी कह लें कि पोटेंशियल जो है 11 किलोवाट होगी, 29 किलोवाट होगी, वो वाली आप मोतोचिकली चला सकते हैं पतेंते आ ऊनो के साथ। अच्छा, जो त्रय चिकली है पतेंते आ ऊनो के साथ वो 15 किलोवाट की आप चला सकते हैं, ठीक है। और जो माकिने अग्री को ले है वो आप, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होती है, वो वाली माकिने अग्री को ले यानी कि जो एग्रीकल्चर वाली गाड़ी है वो आप चला सकते हैं पतेंते आ ऊनो के साथ। और साथ में वो सारी चीज़ें चला सकते हैं, वो सारी गाड़ियाँ चला सकते हैं जो पतेंते आ एम ए में मतलब आप चलाते हैं, ठीक है। पतेंते आ ऊनो 16 साल की उम्र में आप ले सकते हैं, उसके साथ साथ मोतोचिकली, त्रयचिकली और माकिने अग्रिकोले जिनकी स्पीड मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर है वो आप चला सकते हैं, सही। नेक्स्ट है जी पतेंते आ दुए। अच्छा, पतेंते आ दुए में जो है आप मोतोचिकली चला सकते हैं जिसका वजन जिसकी जो है 35 जो है किलोवाट जो मैक्सिमम है वो पोटेंशियल जो उसकी है, पावर जो उसकी है वो 35 किलोवाट तक की मोटोचिकली आप चला सकते हैं पतेंते आ दुए के साथ। और ये आप 18 साल की उम्र में ये पतेंते आ दुए ले सकते हैं। अच्छा, पतेंते आ दुए 18 साल की उम्र में आप ले सकते हैं, और मोटोचिकली जो है 35 किलोवाट तक जो है पावर जो है वो वाली चला सकते हैं। और साथ में आ ऊनो, पतेंते आ ऊनो की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी आप आदुए के साथ चला सकते हैं अगर आपके पास पतेंते आदुए है, सही है। उसके बाद पतेंते आ है, सही है। पतेंते आ जो है इसमें आप मोटरसाइकिल, त्रैसाइकिल और पतेंते आदुए वाली जितनी भी गाड़ियां सारी वो पतेंते आ में आप चला सकते हैं जब आपके पास पतेंते आ जाता है, सही है। ये आप जो है 24 साल की उम्र में ले सकते हैं, लेकिन आप जो है मतलब ये 20 साल की उम्र में भी ले सकते हैं अगर आपके पास कम से कम जो है 2 साल से जो है पतेंते आदुए मौजूद है, सही है। ये 20 साल की उम्र में भी आप ले सकते हैं अगर कम से कम अगर आपके पास 2 साल के लिए जो है आदुए मौजूद हो, ठीक है, उस सूरत में। अदरवाइज यही जो है आप 24 साल की उम्र में पतेंते आ ले सकते हैं जिसमें मोटोचिकली, त्रैचिकली और आदुए की तमाम गाड़ियां जो है आप चला सकते हैं। अच्छा, पतेंते बी ऊनो, पतेंते बी ऊनो 16 साल की उम्र में आप ले सकते हैं, ठीक है। पतेंते बी ऊनो जिसमें क्वाड्रिचिकली आप चला सकते हैं जी 450 किलोग्राम जिसका वजन है, ठीक है, मैक्सिमम तो, और 15 किलोवाट जिसकी जो है पावर है वो वाली क्वाड्रिचिकली आप चला सकते हैं बी ऊनो के साथ। और वो तमाम गाड़ियां जो कि पतेंते आ एम ए के साथ जो है आप चलाते हैं वो सारी आप बी ऊनो के साथ भी चला सकते हैं, और बी ऊनो से दीची आने यानी कि 16 साल की उम्र में आप ले सकते हैं बी ऊनो। पतेंते बी जो है आप 18 साल की उम्र से ले सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं।
इसमें आप ऑटो वेहिकुली, मखिने अग्रिकल्चूरे, मखिने ओपेरा टोरी और त्रय चिकली जो है आप चला सकते हैं। अच्छा, जो ऑटो वेहिकुली है उसका वजन जो है मैक्सिमम जो है 3,500 किलोग्राम होना चाहिए, और उसमें जो पैसेंजर की कैपेसिटी मैक्सिमम आप 8 पैसेंजर की कैपेसिटी वाले ऑटो वेहिकुली चला सकते हैं, ठीक है। और मखिने अग्रिकल्चूरे भी आप चला सकते हैं, और जो मखिने ओपेरा तोरी है, ठीक है, जो काम जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती है वो वाली गाड़ियाँ भी चला सकते हैं, और त्रय चिकली भी आप चला सकते हैं। पतेंते बी के साथ आप पतेंते आ एम में आ ऊनो और बी ऊनो, ये इसकी तमाम इनके साथ जो चलने वाली तमाम गाड़ियाँ वो आप पतेंते बी के साथ जो है वो चला सकते हैं, सही है। आगे पतेंते बी कौन को दीचे नवानता सही। अच्छा, पतेंते बी कौन को दीचे नवानता सही मतलब पतेंते बी को दीचे नवानता सही के साथ कोड 96 के साथ। अब ये इसके साथ आप क्या चला सकते हैं जी। अच्छा, पतेंते दी कैटेगरी बी कौन को दीचे आर्मोनिजातो चो है कौन डिविजनल आम्बितो दिल उन्योने यूरोपा नवानता सही कौन सेंते इजाजत देता है दिग्विदारे ड्राइव करने की ऑटो वेहिकुली, ऑटो वेहिकुली की दिमास्सा फिनो आ 3.50 टोनेलातो त्रैनाता उन त्रैनाती उन रिमोर्क नॉन लज्जेरो ओल्ट्रे 750 किलोग्राम। वो कहते हैं कि ये जो पतेंते बी है ये वाली जो कैटेगरी है कौन को दीजिए नवानता सही यानी कि 96 कोड के साथ, इसमें जो है आप जो ऑटो व्हीकल है वो चला सकते हैं 3.5 टन वाली, और उसके साथ आप एक रिमोर्क्यो भी अटैच कर सकते हैं जो कि नॉन लग्जरी है यानी कि 750 किलोग्राम से ज़्यादा है, ठीक है। पुरखे लम्मा सामा सीमा ऑटोरिजा दिल कॉम्प्लेक्सो जो है ला सोमा दिल्ला मास दी दू वेकुल नॉन सिया सुपे सुपेरियोरे आ 4.250 किलोग्राम, ठीक है। वो कहते हैं कि जो इसके साथ जो आपने रिमोट को अटैच करनी है उसका और जो गाड़ी का वजन जो है मैक्सिमम जो है 4.250 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ला मासा दिल कॉम्प्लेक्सो क्विंदी पेरो सुपीरियोर ए 3.500 किलोग्राम लिमिटी पर ला नॉर्माले पतेंते बी मनोन ई 4.250 किलोग्राम, ठीक है। वो कह रहा है कि जो नॉर्मल आप चलाते हैं गाड़ी मतलब पतेंते बी के साथ जो आप चलाते हैं उसमें मैक्सिमम जो आपकी वज़न अलाउ होता है वो 3.5 500 kg होता है, सही है। लेकिन इसके साथ पतेंते बी को उनको दीचे नवानता सही के साथ जो है आप मैक्सिमम जो है 4.25 kg जो है 250 kg जो है आप मतलब मैक्सिमम जो वज़न आप लेके जा मतलब चला सकते हैं जिसमें जो है रिमोर्क्यू का भी वज़न ऐड है, ठीक है। ऑटो व्हीकल और रिमोर्क्यू का भी वज़न ऐड है, सही है। नेक्स्ट देख लेते पतेंते बी ए, ठीक है। कंसेंट दी गुइदार कॉम्प्लेक्स दे व्हीकल ओ ऑटो ट्रेनी कंपोस्ट दा उन ऑटो व्हीकल दी मासा मैक्सिमम ऑथराइज्ड फिनो अ 3.500 किलोग्राम ए दा उन रिमोर्क्यू दी मासा फिनो अ 3.500 किलोग्राम। अच्छा, वो कह रहा है कि इस में पतेंते बी ही में, ठीक है, आप जो है एक गाड़ी या एक ऑटो ट्रेनी जो है एक आप चला सकते हैं जिसके साथ जो है ऑटो व्हीकल दी मास समासी मोटरिजा तो फिनो 3.500 किलो जो जिसका मैक्सिमम जो ऑटो व्हीकल का वजन होगा मैक्सिमम 3.500 kg और उसके साथ आप एक रिमोट को अटैच कर सकते हैं उसका वजन भी मैक्सिमम जो है 3.500 kg तक होना चाहिए, ठीक है। क्विंदी आंखे से ला मास्सा दिल कॉम्प्लेसिव वेहिकुलारे सुपीरियर आ 4.250 kg मा फिनो आ 7000 किलोग्राम। वो कहता है कि जो पतेंते बी ए है, ठीक है, इसमें जो है आप जो गाड़ी चला सकते हैं उसका वज़न जो है मैक्सिमम 3.500 kg और उसके साथ एक रिमोर्क्यो भी अटैच कर सकते हैं जिसका वज़न जो है मैक्सिमम जो है उसका भी 3.500 kg होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल वज़न जो है मैक्सिमम 7,000 किलोग्राम हो सकता है, ठीक है। फिनोआ यहाँ तक आप जो है टोटल दोनों का वज़न मिला के जो ऑटो ऑटो व्हीकल और जो रिमोर्क है इन दोनों का वज़न मिला के
7,000 किलोग्राम बन जाए, इतना मतलब आपको अलाउ है पतेंते बी ए में। जो पतेंते बी में बी कौन को दी चरवानता से, उसमें जो है आपको 4,250 kg जो है मैक्सिमम अलाउ था, लेकिन इसमें जो है आपको 7,000 kg जो है मैक्सिमम अलाउ है, मतलब रिमोर्क्यू के साथ जो वजन है। सही है। नेक्स्ट, रितीरो इमेडियातो देला पतेंते। अच्छा, जो मुअत्तली है यानी कि मंसूही है, जो मतलब लाइसेंस के किस वक्त जो है मंसूह हो जाता है, ठीक है, उसी वक्त किस वक्त जो है मंसूह हो जाता है, किन किन सिचुएशंस में। अच्छा, रितीरो इमेडियातो अवियेने, जो आपकी लाइसेंस की जो पतेंते की जो मंसूही है उसी वक्त कब हो जाती है, किन सिचुएशन में वो आपसे उसी वक्त जो है पतेंते ले लेते हैं, मंसूह हो जाता है। अच्छा, quando si accerta che il conducente guida con patente la cui validità è scaduta, जब वो आपको कंट्रोल करे और आपका जो है कह ले कि लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, तो आप फिर भी ड्राइव कर रहे हैं, आपका जो लाइसेंस है वो उसी वक्त जो है मंसूख हो जाता है, ठीक है, वो ले लेते हैं। quando il conducente è alla guida in stato di ebbrezza, जब जो ड्राइवर होता है गाड़ी का वो जो है नशे की हालत में जो है ड्राइविंग कर रहा होता है, रोड पे होता है, तो तब भी आपके रितीरो इमेडियातो देला पतेंते उसी वक्त जो है वो ले लेते हैं, मंसूही हो जाती है। से अ सेगुइतो दी इंसिडेंते सोनो डेरिवाते लेसियोनी अ पर्सोने, इन टल कासो अवियेने अंके ला सोस्पेंसियोने ओ ला रिविजियोने देला पतेंते। अच्छा, जब एक्सीडेंट की सूरत में जो मतलब आप नुकसान पहुंचाते हैं किसी नेक्स्ट पर्सन को, तो उस सूरत में जो है आपका पतेंते वो उसी वक्त ले लेते हैं, मंसूही हो जाते, लेकिन साथ ही साथ मतलब जो है या तो वो सस्पेंशन में चला जाता है या रिविजियोने देला पतेंते, मतलब आपका रिविजन में चला जाता है वो लाइसेंस, ठीक है। से इल कंडुसेंटे नॉन सिस्टेमा कोरेक्टमेंटे इल कारिको माल डिस्पोस्टो, एड एसेम्पियो के स्पोर्जे ओल्ट्रे इल लिमिटी कंसेंटिटी डोपो इनविटो देली ऑर्गानी दी पुलिसिया। अच्छा, उस सूरत में भी रितीरो इमीडियातो हो जाता है जब आप जो है गाड़ी के अंदर जो आपने कारी को रखा होता है वो करेक्ट तरीके से नहीं आपने सिस्टमाइज किया होता उसको, तो उस सूरत में भी जो है रितीरो इमीडियातो देला पतेंते यानी कि पतेंते की मंसूही उसी वक्त तो हो जाती है। असेगवीतो दी वायलेंस वायोलेंसियोने के कंपोर्टी ला सेंसेशन एक्सेसोरी della sospensione della patente, ad esempio quando si superano di 40 km per ora i limiti di velocità imposti. Cioè, जब आपकी जो लिमिट है, जो स्पीड लिमिट जो आपको रोड पे दी गई है उससे आप 40 किलोमीटर अबव जो है लेके जाते हैं गाड़ी, तो उस सूरत में भी जो है क्योंकि आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं रोड के कवानीन की, तो उस सूरत में भी रितीरो इमीडियातो देला पतेंते, मतलब उसी वक्त आपकी मंसूही हो जाती है लाइसेंस की, ठीक है। रिविजियोने देला पतेंते, कब जो है रिवाइज्ड मतलब आपको पतेंते। अच्छा, रिविजियोने देख लेते हैं क्या होता है। पु एस्सेरे डिस्पोस्ता दell'ufficio motorizzazione civile quando sorgono dubbi che il conducente sia ancora in possesso di requisiti fisici o psichici, visita udito, riflessi, eccetera, dell'idoneità tecnica, conoscenza della segnaletica o delle norme capacità di guida prescritti per il possesso della patente e comporta l'obbligo di sottoporsi a visita medica e ad esame di idoneità tecnica, cioè nuovi esami di teoria e di guida. Cioè, revisione che surat me otta, revisione o surat me otta, jab, cioè, ufficio मोटराइजेशन चीवल, उनको मतलब ये डाउट होता है कि आपकी जो फिजिकल कंडीशन है या जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपको आँखों मतलब नज़र का कोई मसला है या इस तरह के जो मसाइल हैं जो आपकी फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल आपकी कंडीशन के साथ जो है अटैच होते हैं, उस लेवल पे कोई मसला है, या आप का मतलब जो कॉनोशंस है जो नॉलेज है अबाउट सिग्नल्स, रोड के सिग्नल्स और कवानीन के हवाले से, और जो आपकी कैपेसिटी है ड्राइव की उस हवाले से, अगर इन सारी चीज़ों के हवाले से किसी भी चीज़ के हवाले से इनमें से अगर उनको डाउट होगा तो वो
रिविजियोने देला पतेंते आपसे करवाएंगे, यानी कि आपको पतेंते का जो है ना रिवीजन करनी पड़ेगी। अच्छा, वो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है? इंसिडेंट स्ट्रादाले के ha procurato lesioni gravi a persona, उस सूरत में जब आप एक्सीडेंट करते हैं रोड पे, ठीक है, और जो नेक्स्ट पर्सन है मतलब उसको कोई बड़े किस्म का नुकसान पहुंचता है ज़्यादा। विद इंस्टा टू दी एवरेज सोथ अफेक्ट टू दी सुस्तानसे स्टुपी स्टुपेफेंट, यानी कि नशे की हालत में अस एज एसेरामेंटो दे पुंटी देला पतेंते दी गुइडा, ठीक है। तो अगर आपकी जो पुंती है जो वो जो है काम है सही है, तो उस सूरत में भी रिविजियोने दी पतेंते मतलब आपका हो सकता है, वो करवा सकते हैं। रिवोका देला पतेंते विएने डिस्पोस्टा दल मोटोरिजेशन सिविलो दल Prefetto, non dagli organi di polizia e consiste dell'annullamento permanente della patente, viene cioè definitivamente tolta spesso per sempre. Acha, rivoca ka matlab hai ki hamesha ke liye jo hai wo keh lein ki aapka license jo hai wo cancel kar dete hain, theek hai, rivoca ka matlab hai. La rivoca della patente è disposta quando, अच्छा, किस सूरत में जो है रिवोका दल पतेंते हो सकता है? इल तुतदार सोटोपोस्टो अद एग्जाम दी रिविजियोने नॉन रिजुल्ट प्यो एडोनियो अला गुइदा, उस सूरत में जब आप लाइसेंस की जो है रिवीजन करने के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं थ्योरी का, तो उस सूरत में अगर आप बोचा तो हो जाते हैं यानी कि फेल हो जाते हैं, तो उस सूरत में जो है रिवोका दल पतेंते हो जाता है, यानी कि वो आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर देते हैं। Il titolare perde permanente per sempre i requisiti morali, fisici o psichici richiesti, yani che jo jiska patente hai agar wo sempre ke liye jo hai wo us pe nahi unki physical aur jo psychological request mein nahi utar raha, theek hai, koi masla hai usko physically aur ya psychologically, to surat mein bhi jo hai आपका जो पतेंते है वो कैंसिल हो जाता है। इल कंडक्टर इन ऑटोस्ट्राडा इनवर्ट इल सेंस वी मार्च और परकोरे ला कैरेजाटा कंट्रोल मानो। अच्छा, जो ड्राइवर जो है ऑटोस्ट्राडे पे जो है यू टर्न लेता है या रॉन्ग साइड पे जा रहा होता है, रॉन्ग वे में गाड़ी चला रहा होता है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो गाड़ी चला रहा होता है, जो डायरेक्शन अलाउ होती है, तो उस सूरत में भी जो है आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। La patente stessa viene sostituita con altra rilasciata da un stato estero, मतलब उस सूरत में भी आपका पतेंते कैंसिल हो जाता है जब आप किसी दूसरी जो है कह ले के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क की स्टेट में आप जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ से जो है कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं ये लाइसेंस उस मुल्क के लाइसेंस के साथ, तो उस सूरत में आपका ये जो इटली वाला लाइसेंस है यहाँ वाला जो लाइसेंस होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वो आप फिर दूसरी स्टेट से वो लाइसेंस ले सकते हैं, सही है। सस्पेंसियोने देना पतेंते, पतेंते की सस्पेंशन, अच्छा ये किस सूरत में कह लें कि होती है? Conducente guida sotto effetto da sostanze stupefacenti, droghe o in stato di ebbrezza. मतलब अगर ड्राइवर से जो है ड्रग्स रिसीव होते हैं या वो नशे की हालत में होता है, उस सूरत में भी आपका पतेंते जो है सस्पेंसियोन हो जाता है। इल कंडोचेंते फूज सेंसा प्रेस्टारे स्कोर्सो अला पर्सोना इन्वेस्टिता, जिस बंदे के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ होता है तो उसकी वो हेल्प किए बगैर अगर गाड़ी से भाग जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में भी सस्पेंसियोने देला पतेंते होगा। सी सिर्कोला इन ऑटोस्ट्राडा सुला कुर्सिया दी एमरजेंसी इन कास नॉन प्रविस्ती दल कोडिचे देला स्ट्राडा, अगर वो गाड़ी चला रहे कुर्सिया दी एमरजेंसी पे ऑटोस्ट्राडे पे, तो उस सूरत में भी सस्पेंसियोने देला पतेंते वो मतलब उसका होगा। सी सुपेरानो ली दी ऑल्ट्रे 40 km पर आवर लिमिट मैक्सिमम दी वेलोसिटा, मतलब जो मैक्सिमम आपको लिमिट दी गई है उससे आप 40 किलोमीटर अबव चल जाते हैं स्पीड आपकी होती है, तो उस सूरत में भी सस्पेंशन देना पतेंते होगा। इन न्यू पतेंते
circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulla velocità. जो नया बंदा है जिसने नया नया अभी पेटेंट हासिल किया, उस सूरत में अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करता जो लिमिटेशन जो है रोड पे दी गई है गाड़ी के हवाले से या कहने के रोड के हवाले से, तो उस सूरत में भी सस्पेंसियों दे ला पेटेंट होगा। सी सोनो फल्सिफिकाती ओ कॉन्ट्राफाती डॉक्यूमेंटी रिलेटिव अला असिकुरासियोने देल वेहीकलो, अगर इन केस जो आपके पास गाड़ी की इंश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं या कहने के फेक हैं वो, तो उस सूरत में भी सस्पेंसियोने दे ला पतेंते मतलब होगा। अच्छा पुंती सुल्ला पतेंते, अच्छा पतेंते में जो है पुंतियों के हवाले से देखेंगे जी पुंतियाँ कितनी होती हैं। ठीक है, नॉर्मली जब आपको नया पतेंते मिलता है उस सूरत में आपके पास 20 जो है पुंतियाँ आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो फिर ये रोड की जो है रोड पे अगर आप मतलब जब ड्राइव करते हैं तब आप अगर रिस्पेक्ट नहीं करते किसी सिग्नल की या कोई मतलब ऐसा काम करते हैं जो कि कहने के लॉ के ऑपोजिट जाता है, जो रोड का लॉ है ठीक है कानून के ऑपोजिट जाता है, तो उस सूरत में जो है आपकी कहने के पूंजियाँ वो काम हो सकती हैं, पॉइंट्स काम हो सकती हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम काम आपका जो होना चाहिए वो 15 तक जो है आपकी पूंजियाँ आ सकती हैं, अगर उससे नीचे आएंगी तो उस सूरत उसके बाद जो है कहने के सस्पेंसियों दिला पतेंते हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये मतलब रिकुपरारे कैसे करते हैं जी। इंतजुला दे पतेंते आओ बी पोस्टो रिकुपरार से पूंती है ट्रावर्स ला फ्रिक्वेंसा दून अपोजिट तो कोर्स प्रेज आउट स्कूल आओ एंती ऑथोरिजाती एल सु सुपरामेंटो दी उनो स्पेसिफिको एग्जाम फिनो अदे रिवारी उन मासिमो दी 20 पूंती। अच्छा अगर आपकी जो है पूंतियाँ काम हो गई हैं तो मैक्सिमम जो है आप 6 पूंतियाँ जो है वो दोबारा रिकवर कर सकते हैं थ्रू आउटो स्कोला से, वहाँ से आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, और उसके ज़रिए जो है आप पूंतियाँ जो है रिकवर कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 तक आप आ सकते हैं, तो 6 पूंतियाँ जो है मैक्सिमम जो है आप रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, से पर 2 anni non si commettono infrazioni che comportano perdita di punti। अच्छा, अगर 2 साल तक आप मतलब कोई ऐसा काम नहीं करते जो कि कह लें कि इली मतलब कानून के खिलाफ है, रूल के खिलाफ है, तो उस सूरत में क्या होगा कि a meno di 20 punti rientra il possesso di tutti i 20 punti। अच्छा, जिनकी 20 से कम पुंतियाँ होंगी ठीक है, तो उस सूरत में 20 पूरी हो जाएंगी अगर 2 साल तक आप कोई भी कह ले के रूल नहीं तोड़ते। ठीक है, कि आप 20 और प्यू दी प्यू पूंती जिनकी 20 या 20 से ज़्यादा पूंती होंगी ने रिची वाल 3 2 फिनो मासिमो दी 30 पूंती। अच्छा, जिसकी 20 या 20 से ज़्यादा पूंतियाँ होंगी ठीक है वो जो है 2 और रिसीव कर 2 पूंतियाँ और जो है वो रिसीव कर लेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने 2 साल तक लास्ट 2 साल तक कोई ऐसा कह ले के रूल नहीं तोड़ा उनको 2 पूंतियाँ मिलेगी एज अ बोनस, तो ये मैक्सिमम जो है 30 तक जा सकती हैं पूंतियाँ। ठीक है, पैर दिता थी पूंती सुल्ला पतेंते, अब देखेंगे कि कौन सा काम करने से कितनी जो है पूंतियाँ वो कट सकती हैं। ठीक है, ला गुइदा सोत्तो एफेक्टो ला सोस्टांस स्टुपिफिशेंट मतलब कोई कह ले के ड्रग्स लेके गाड़ी में जाना ठीक है, तो उस सूरत में 10 पूंतियाँ आपकी कटेंगी। सर्कुलर सुला कुर्सिया दी एमरजेंसा इन ऑटोस्ट्राडा अल दी फोरी दे काजी प्रवीस्ते, अगर आप ऑटोस्ट्राडा पे जो कुर्सिया दी एमरजेंसी है उस पे गाड़ी चलाते हैं विदाउट मतलब कोई एमरजेंसी नहीं है, आप वैसे ही गाड़ी चला रहे हो उस पे, तो उस सूरत में भी जो है 10 पूंतियाँ काट जाएंगी। लाउजो दिल टेलीफोन सेलुलर सेंसा आउरिकुलारे और वीवा वॉच 5 पूंतियाँ जो है आपकी कट जाएंगी अगर आप टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट हेडफोन या कह ले के वीवा वॉच पे लगा के, तो आपकी 5 पूंतियाँ जो है वो कट जाएंगी। सर्कुलर सेंसा कास्को कौन कास्को माल अलचा, तो हाँ अगर आप हेलमेट के बगैर ड्राइव कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे या अगर आपने हेलमेट लगाया हुआ लेकिन वो आपने अच्छे तरीके से उसको नहीं पहना हुआ, तो उस सूरत में भी 5 पूंतियाँ कट जाएगी। सुपरामेंट दे लिमिट दे वेलोसिटा दी ऑल्टर 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर आप कह ले के मतलब स्पीड लिमिट की आप कह ले
भी नहीं करते और 10 किलोमीटर आवर जो है आप बढ़ा लेते हैं स्पीड, मतलब जो एक्चुअल स्पीड होती है जो आपको अलाउ होती है उससे आप 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो उस सूरत में जो है 3 पूंतियाँ आपकी कट जाएगी। मनका तो रिस्पेक्ट दी अलखुन नॉर्मल रिलेटिव वाला मनोवरा दी सुरपास ओवरटेक करते हुए जो आप कहने के जो कवानीन है उस उनको मद्देनजर नहीं रखते, उनको नज़रअंदाज करते हैं, तो उस सूरत में जो है 3 पूंतियाँ आपकी कटेंगी। मनका तो रिस्पेक्ट दी लदिस्तान सदी सिकुरसिया तरीवा था उन इंसिडेंट। अच्छा आप जो है कह लें कि पैरवी नहीं करते दिस्तान से सुरक्षा की यानी कि हिफाजती फैसले की, तो उस सूरत में जो एक्सीडेंट मतलब हो सकता है जो, तो उस सूरत में आपकी 3 पूंतियाँ कट जाएंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो सोवरक कारी को मतलब जो पेस हो जो आप वजन लेके जा रहे हैं गाड़ी पे वो ओवरलोडेड है, मतलब ओवर है जितना आपको इजाज़त है उतना आप नहीं लेके जा रहे, उससे ज़्यादा लेके जा रहे, तो उस सूरत में 20 पूंतियाँ कटेगी, 2 पूंतियाँ कटेगी। इलमका तो उतिलो ओ लाउजो इम्प्रॉपर लूची, मतलब अगर आप लाइटों का इस्तेमाल नहीं करते या प्रॉपरली लाइटों का इस्तेमाल नहीं करते तो उस सूरत में 1 पूंती जो है कटेंगी। ये कुछ पूंतियाँ हमने देखी कि जो आपकी कट सकती हैं इन सिचुएशन में और कितनी कट सकती हैं। अच्छा लेसन नंबर जो है 20 जो है वो ख़त्म हो गया, बाब नंबर 20 ख़त्म हो गया, तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे जी इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।